गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है परिच्छेदन, सेक्शनिंग, ठीक है ना। ये सेक्शनिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम सेक्शनिंग असेंबली में करते आ रहे हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि सेक्शनिंग है क्या। तो पढ़ लेते हैं। एक साधारण लंब कोणीय दृश्य आर्थोग्राफिक व्यू प्लान एलिवेशन एंड साइड व्यू के आंतरिक भागों की रचना को बिंदुवार रेखाओं डॉटेड लाइन द्वारा सही प्रदर्शित किया जाता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती, परंतु कई चित्रों में बहुत सारी बिंदुकित रेखाएं डॉटेड लाइन इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत कठिनाई होती है, एवं कुछ आंतरिक मुख्य भागों को दृश्य पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए वस्तु के दृश्यों को उपयुक्त स्थान से कटा हुआ मानकर दृश्य प्राप्त किया जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, परिच्छेदन। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसको बीच से यहाँ से काट दिया गया, ये कटिंग प्लेन, और जब काटा गया तो यहाँ पे क्या कर लिया, सेक्शनिंग कर दी गई, तो हम इसके आंतरिक भाग को देख सकते। ये देखिए एक प्लेन पर इसका क्या बना दिया गया, प्रोजेक्शन, और ये जो कटे हुए भाग हैं इसकी यहाँ पे सेक्शनिंग कर दी गई है। ये देख सकते हैं, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका सेक्शन व्यू है, ये वाला व्यू है, ठीक है ना। और ये इसका क्या है, साइड व्यू है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, साइड व्यू में। तो इसके बाद ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है ना, एक साथ रहेगा तो इस तरह से इसका साइड व्यू बनेगा, एक साथ रहेगा तो इसका इस तरह से टॉप व्यू होगा। सेक्शनिंग किसमें दिखाई गई है, आपको इसके फ्रंट व्यू पे दिखाई गई है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया है। दृश्य का एक काल्पनिक काट समतल द्वारा कटा हुआ कल्पना करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इसको कल्पना में मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जैसे कि गणित के विद्यार्थी करते हैं कि ये कटा हुआ है। इस काल्पनिक परिच्छेदन तल, इमेजिनरी कटिंग प्लेन कहते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी कटिंग प्लेन। दृश्यों पर इस तल को सांकेतिक रूप से एक रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें सिरों को मोटा करके एक तीर का चिन्ह दृश्य में देखने की दिशा में अंकित करते हैं, वस्तु की कटी हुई सतह को हैचिंग लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप यहाँ डायग्राम में कि इसको हैचिंग से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं किस तरह से चीज़ों को दर्शाया हुआ है हैचिंग लाइन से, ठीक है ना। अब देखिए परिच्छेदन कितने प्रकार के होते हैं, तो परिच्छेद सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला परिच्छेदन है संपूर्ण परिच्छेदन, फुल इन सेक्शन। इस प्रकार के परिच्छेदन में वस्तु को मध्य रेखा के ऊपर परिच्छेद तल द्वारा पूर्ण रूप से काट कर प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार का जो परिच्छेदन होता है इसमें हम क्या करते हैं, वस्तु को मध्य से काटते हैं, बीच सेंटर से। ये देखिए ये वाले इसको हमने बीच से काटा है, तो हमको इस तरह की आकृति प्राप्त हो रही है। और जब हम इसका सेक्शन व्यू बनाएंगे, फुल सेक्शन व्यू फ्रंट व्यू से, तो इस तरह का बनेगा, जैसे कि अभी आपको इस डायग्राम में समझाया गया था। सेम इसको हमने यहाँ से बीच से काट लिया है, काटने के बाद ये इस तरह की आकृति यहाँ पर दिखेगी। इस तरह से हम इसको जब आधा काटेंगे, तो आधा काटने पे कौन सी सेक्शनिंग कहलाती है स्टूडेंट, फुल सेक्शनिंग, है ना, संपूर्ण परिच्छेदन कहलाता है। इस प्रकार के परिच्छेदन को वस्तु के मध्य रेखा के ऊपर, जो मध्य रेखा होगा, जो सेंटर होगा, वहीं से हम इसको काटेंगे, ठीक है ना। इसके बाद होता अर्ध परिच्छेदन, हाफ इन सेक्शन। इस विधि में दो परिच्छेदित तल द्वारा परस्पर लंबर स्थिति में काटकर वस्तु को एक चौथाई भाग अलग माना जाता है। बायां भाग काटने पर बायां परिच्छेदन और दायां भाग काटने पर दायां परिच्छेदन प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में इसको कितना हिस्सा काटा, यहाँ से लंबवत काटा गया और यहाँ से, तो ये कौन सा परिच्छेदन है, हाफ सेक्शनिंग है। जब हम एक चौथाई भाग काटते हैं तो हाफ सेक्शनिंग कहलाता है, जब आधा भाग काटते हैं तो फुल सेक्शनिंग कहलाता है। ये देखिए ये सेक्शन लाइन यहाँ से यहाँ गई है और यहाँ से यहाँ, जैसा कि आप सेक्शन लाइन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेक्शन लाइन
दोनों तरफ जो होता है वो मोटाई में रहता है, ये इसको इस तरह से काटा गया है इसको। ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कैसा है, हाफ सेक्शनिंग, सेक्शनिंग कैसे काटना ये दिखाया गया, सेक्शनिंग को यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शित किया गया है फ्रंट व्यू में भी और साइड व्यू में भी। ये देख सकते हैं जब साइड से देखोगा तो ये वाला पोर्शन आपको सेक्शनिंग में दिखेगा, और जब यहाँ से आप बनाएंगे तो ये देखिए फ्रंट व्यू से, तो ये वाला, ये वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सेक्शनिंग में इस पोर्शन को हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये यहाँ सेक्शनिंग बन गई। अब सेक्शनिंग में कैसा रहता है कि जो आपको मैं एक सेक्शनिंग करके दिखाऊंगा भी, है ना, कि कैसे सेक्शनिंग की जाती है। तो ऐसा भी आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है ना। तो सेक्शनिंग में क्या रहता है, देखिए इसको हम हैचिंग से प्रदर्शित करेंगे और इस तरह से ये हमको चीज़ें दिखेंगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है निकटस्थ तल परिच्छेदन, सेक्शन इन कॉन्टिजुअस प्लेन। इस विधि में परिच्छेदन दृश्य, सेक्शन व्यू पूर्ण परिच्छेदन के जैसा ही होता है, परंतु परिच्छेदन तल सिर्फ एक तल नहीं होता, जैसे कि मुड़े हुए पाइप का परिच्छेदन दिखाया गया। कैसे, जैसे हम फुल सेक्शनिंग में आधा काटते हैं, इसी तरह इसमें भी हम निकटस्थ तल में भी हाफ काटेंगे, लेकिन अंतर क्या रहेगा कि ये हम मुड़े हुए तल का करते हैं, जैसे कि पाइप का परिच्छेदन करते हैं। जब पाइप का परिच्छेदन होगा तो उसको हम निकटस्थ तल परिच्छेदन के अंदर लाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है ऑफसेट परिच्छेदन, ऑफसेट सेक्शनिंग। इस विधि में वस्तु के प्रमुख लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी परिच्छेदन तल की दिशा मुख्य अक्ष से 90 डिग्री पर बदलनी पड़ती। जैसे मेन मेन अगर हमको पाठ दिखाने हैं, मुख्य मुख्य जगह दिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसको अपने हिसाब से यहाँ से काटे या फिर अंदर की तरफ चले गए, सीधा काटने की आवश्यकता नहीं, फिर यहाँ से काटे फिर इस वाले भाग को दिखाना है। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ से सेक्शन लाइन गई है, फिर अंदर की तरफ गई है, फिर यहाँ से गए, फिर ये सेक्शन लाइन गई, ये सेक्शन लाइन गई। तो हमको इस मेन मेन हिस्सों को दिखाना था, इसलिए हमने इसको क्या, इसको इस तरह से काटा है। इस तरह के परिच्छेदन को हम क्या कहते हैं, ऑफसेट सेक्शनिंग कहते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी सेक्शनिंग का डायग्राम बनेगा। फिर इसके बाद है अपनित परिच्छेदन, रिमूव सेक्शन, कुछ भाग को निकालेंगे। इस विधि में वस्तु को अलग अलग आवश्यक व प्रमुख लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए काट समतल की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए अनुप्रस्थ काट को प्रदर्शित किया। देखिए अब इसके हमको कुछ विशेष भाग को निकालना है, तो हमने इसको यहाँ से काटा हुआ है और यहाँ से, ये आप ए और ए देख रहे हैं, यहाँ से काटा तो ये काट समतल के भाग को दिखा दिया, यहाँ से काटा तो ये काट समतल बी बी सेक्शन दिखा दिया, और ए सेक्शन के। इस तरह से अगर हम सेक्शनिंग कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपनित परिच्छेदन या रिमूव्ड सेक्शन, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला है घूर्णित परिच्छेदन, रिवॉल्व सेक्शनिंग है। तो इसको हम किस तरह से, देखिए वस्तु की अनियमित आकृति, जब आकृति कैसी हो, अनियमित हो, इस जगह ऐसी जगह पर अगर हमको परिच्छेदन करके पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः वस्तु की अक्ष के लंबवत रखकर, वस्तु के अक्ष के लंबवत रखकर परिच्छेदन तल के द्वारा इन्हें काटा जाता है। इस परिच्छेदन को वस्तु का वास्तविक अनुप्रस्थ भाग से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये अभी अनियमित आकृति थी तो इसको यहीं पे इसको प्रदर्शित कर दिया गया है, है ना। तो ये आपका रिवॉल्व सेक्शनिंग कहलाएगी, ठीक है ना। ऐसे हुक में प्रदर्शित करना होता है। इसके बाद है सहायक परिच्छेदन, ठीक है ना, ऑक्सिलरी सेक्शनिंग। इस प्रकार के परिच्छेदन में परिच्छेदन तल किसी भी ज्यामिति तल के समानांतर नहीं रहता, वस्तु के तिरछे या झुके हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु का झुका हुआ भाग हो या तिरछा भाग हो, अगर ऐसी जगह पर सेक्शनिंग कर रहे हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी सेक्शनिंग, ठीक है। फिर लास्ट ये यहाँ पे अगला जो सेक्शनिंग है वो है दो प्रतिच्छेद तल का परिच्छेदन। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरली असेंबली में इस तरह की सेक्शनिंग की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट लास्ट तक। इस विधि में वस्तु में छेद
व खाँचों का पूर्ण विवरण दर्शाने के लिए किसी एक कोण पर मिलने वाले दो तलों का परिच्छेदन किया जाता है। एक कोण पर मिलते हैं, दो तलों का परिच्छेदन होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ए और ये यहाँ पे बी, आपको ऐसा लगता होगा देखने में सीधा काटा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सर्किल वाले भाग को काटा गया है और यहाँ पे इस वाले भाग को, तो इम्पोर्टेंट हिस्से दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग प्लेन, ठीक है ना। इस विधि में वस्तु के छेद और खांचा, एक खांचा काटा गया, एक छेद काटा गया, इसका पूर्ण विवरण दर्शाया जा रहा है सेक्शनिंग के माध्यम से। तो इस तरह का जो सेक्शनिंग होगा वो क्या कहलाएगा, दो प्रतिच्छेद तल का परिच्छेदन। इस तरह से ये सेक्शनिंग होती है जनरल असेंबली में। तो ये टूटे हुए भाग का परिच्छेदन, कोई टुकड़ा टूट जाता है तो उसका भी हम सेक्शनिंग बना सकते हैं। वस्तु के आंतरिक बनावट का विवरण कई बार आंशिक परिच्छेदन से थोड़ा सा हिस्सा तोड़ कर भी हम उसको दर्शा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टूटे हुए भाग का परिच्छेदन, ब्रोकन सेक्शन, संरेखीय परिच्छेदन जो कि लास्ट परिच्छेदन है, जिसको हम अलाइंड सेक्शनिंग के नाम से जानते हैं। अनियमित आकृति वाली वस्तुओं के परिच्छेदन में काट समतल वस्तु के प्रमुख भाग से होकर गुजरता, जो मेन पार्ट होगा तो वहीं से हम उसको क्या करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, संरेखीय परिच्छेदन। आपने वीडियो को ध्यान से सुना, सेक्शनिंग को अच्छे से समझा, इसको हम एक बार प्रैक्टिकली भी आपको करके बताएंगे सेक्शनिंग। तो इसी तरह से वीडियो पे बने रहें। आज के लिए धन्यवाद। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर।